हे एवरीवन, वेलकम टू एचना साइंस क्लासेस। माय नेम अंकित दीक्षित। आज हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है बैलिस्टिक पेंडुलम एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका हम यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की हाई स्पीड को निकालने के लिए। अगर ऑब्जेक्ट है वो हाई स्पीड से मूव करता है तब हम उसकी स्पीड निकालते हैं इस मेथड का यूज करके, बैलिस्टिक पेंडुलम का यूज करके। एग्जाम्पल है जैसे जब बुलेट जो है गन से फायर होती है तो बुलेट की स्पीड क्या होती है, फास्ट होती है, तो उसकी स्पीड निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है, बैलिस्टिक पेंडुलम का हम यूज करते हैं। ओके, तो ये डिवाइस है, इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द विच इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट हाई स्पीड से जा रहा है तो उसकी स्पीड मेजर करने की कैसे करते हैं, इस डिवाइस का हम यूज करते हैं। ओके, एग्जांपल है बुलेट फायर फ्रॉम ए गन। जब गन में से बुलेट को फायर करते हैं तो उसकी स्पीड क्या होती है, फास्ट होती है, तो उसका हम फॉर्मूला निकालेंगे कि कैसे निकालते हैं बैलिस्टिक पेंडुलम का यूज करके। क्लियर है। नेक्स्ट आता है, ये जो बैलिस्टिक पेंडुलम है ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का। ठीक है, इट इज ए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन अब ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराएगा तो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट होगा वो टोटल एनर्जी ट्रांसफर कर देगा सेकंड वाले को जिससे वो टकराया है। ठीक है, क्या है, एक फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट आएगा, वो टकराएगा, टकरा के क्या करेगा, सारी एनर्जी किसको दे देगा, जिस पे वो टकराया है उसको ट्रांसफर कर देगा। मीनिंग पहले वाले की टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। क्लियर हुआ। अब ये जो बैलिस्टिक पेंडुलम है, अब इसकी रिक्वायरमेंट जो थी स्टार्टिंग में, इसको हम यूज करते थे स्पीड निकालने के लिए बुलेट की, क्योंकि जब तक ये इलेक्ट्रॉन डिवाइस है तब तक डेवलप नहीं हुई थी, तब हम इस मेथड का यूज करते थे। ये ओल्ड मेथड है, लेकिन अब क्या है, नई नई टेक्निक है, ऑपरेटर्स आ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक जिसका हम यूज करते हैं बुलेट की स्पीड निकालने के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ये कि बैलिस्टिक पेंडुलम जो है उसकी शेप कैसे होती है। ओके, तो नेक्स्ट है, इसमें डायग्राम है, ये बुलेट और ये कोई बॉक्स होगा, ये बुलेट है। जैसे ये बुलेट इस बॉक्स पे कोलाइड करेगी तो ये सारी एनर्जी बुलेट किसको दे देगी, इस बॉक्स को दे देगी। इस बॉक्स का मास कितना है, कैपिटल एम है, और इस बुलेट का मास कितना है, स्मॉल एम है। और ये जो बॉक्स है, ये वाला जो बॉक्स है ये किस में है, रेस्ट में है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो आएगी। अब ये बुलेट मूव करती हुई आ रही है किसकी तरफ, इस बॉक्स की तरफ, उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, यू है। जब ये बुलेट इसमें टकराएगी तो क्या होगा, कोलिजन होगा, दोनों के बीच में क्या होगा, कोलिजन, ये ऐसे ये टकराई तो कोलिजन होगा। उसके बाद क्या होगा, ये बुलेट जो है इस बॉक्स के अंदर इनसाइड एम्बेडेड हो जाएगी, अंदर चली जाएगी, ये ऐसे बुलेट इसी के अंदर। ठीक है, तो बुलेट ने सारी एनर्जी किसको ट्रांसफर की, बॉक्स को कर दी, तो ये कैसा कोलिजन आया, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन।
और इन दोनों की वेलोसिटी कितनी होगी v टकराने के बाद। ये है BC बिफोर कोलिजन और ये क्या है AC आफ्टर कोलिजन, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। क्लियर हुआ? बुलेट का मास कितना m, बॉक्स का मास कितना कैपिटल m, तो टोटल मास कितना हो जाएगा इसका, तो ये बन जाएगा इसका टोटल मास आएगा स्मॉल m प्लस कैपिटल m। क्लियर हुआ? तो अब इसका डायग्राम करते हैं, जो बैलिस्टिक पेंडुलम है प्रॉपर डायग्राम तो ये अभी बनेगा। यहां पे हमने कोई फिक्स पोर्ट लिया, यहां पे हमने एक स्ट्रिंग लिया और स्ट्रिंग के साथ में एक बॉक्स अटैच किया, वुड का बॉक्स है, ये बॉक्स है वुड का बॉक्स। इसका मास कितना है अभी मेंशन किया ऊपर कैपिटल एम है, और यहां पे ये क्या रही है बुलेट, बुलेट की वेलोसिटी कितनी है स्पीड कितनी है यू है, और बुलेट का मास कितना है स्मॉल एम। जैसे ही इस पे टकराएगा बॉक्स पे, और ये क्या है स्ट्रिंग, क्या ये स्ट्रिंग मतलब कोई वायर ले लिया थ्रेड ले लिया हमने, ठीक है। जैसे ही इस पे टकराएगा कोलाइड करेगा तो ये कहां चला जाएगा, ये आगे ऊपर चला जाएगा, ये ऐसे ये टकराते ही कहां चला जाएगा ये ऊपर चला जाएगा, ये ऐसे चला गया। और इसके अंदर क्या होगी ये बुलेट होगी, बुलेट हुई। क्लियर हुआ? तो ये जो है यहां से डैश 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 ये ऐसे मूव किया, किया तो अब यहां से ग्राउंड से ये जो है यहां से ये लेवल इसका बेस यहां तक ये कितनी हाइट ऊपर गया एच हाइट ऊपर गया जाएगा। जब ये एच हाइट ऊपर जाएगा तो हाइट की वजह से कौन सी एनर्जी आएगी पोटेंशियल एनर्जी आएगी। जब ये बुलेट इसमें टकराएगी तो कौन से ये पहले किसमें रेस्ट में है, उसके बाद ये बॉक्स किसमें आएगा मोशन में आएगा। जैसे ही मोशन में आएगा कौन सी एनर्जी आएगी काइनेटिक एनर्जी आएगी, तो वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें ट्रांसफर हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफर हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो यहां पे हाइट आने पे इसके पास कौन सी एनर्जी आएगी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, आ गई। और इसकी जो स्पीड है वो कितनी है यहां पे वी, हमें तो निकालनी किसकी है बुलेट की भी निकाल सकते हैं, या यहाँ पे जितनी हाइट एच हाइट ऊपर है तो यहाँ पे भी हम इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ डायग्राम? दोबारा से देखो, बुलेट जैसे इस पे बॉक्स पे टकराएगी कोलाइड करेगी तो ये इसके अंदर एम्बेडेड हो जाएगी अंदर चली जाएगी, और ये जो बॉक्स था ये रेस्ट में था पहले, टकराते ही क्या किसमें आएगा मोशन में आएगा। जैसे ही मोशन में आएगा तो कौन सी एनर्जी आएगी काइनेटिक एनर्जी, और ये धीरे धीरे कहाँ जाएगा कुछ हाइट ऊपर जाएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी किसमें पोटेंशियल एनर्जी में। क्लियर हुआ? तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, इसलिए क्या ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन आएगा। क्लियर हुआ? ओके, तो नेक्स्ट है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहां तक हुआ। तो अब इसका फॉर्मूला निकालेंगे वेलोसिटी का स्पीड का, तो यहां पे हम अप्लाई करेंगे, फर्स्ट अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, बिफोर कोलिजन मोमेंटम इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन मोमेंटम। तो मोमेंटम जो आएगा बिफोर कोलिजन कितना है इसका टकराने से पहले कितना है, बुलेट का मास कितना m, बुलेट की स्पीड कितनी u, ये तो रेस्ट में है इसका तो मोमेंटम नहीं आएगा, तो बिफोर कोलिजन कितना आएगा मास इनटू स्पीड और बुलेट इज इक्वल टू, अब टकराने के बाद वो तो एम्बेडेड हो गई थी बुलेट उसमें बॉक्स में, तब उसका मास कितना है m प्लस कैपिटल m, m प्लस कैपिटल m, और स्पीड कितनी है उसकी v है। तो यहां से हम क्या निकालेंगे u इज इक्वल टू ये किसके बराबर आएगा स्मॉल m प्लस कैपिटल m बाय में, ये क्या आएगा स्मॉल m इधर आ जाएगा डिवाइड में m, और यहां पे क्या आएगा ये v। इक्वेशन नंबर क्या है फर्स्ट, कौन सी इक्वेशन मान लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर हुआ? तो उसके बाद नेक्स्ट है, अब
टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में ट्रांसफर हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में। नेक्स्ट हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉक्स, ये बॉक्स था और उसके अंदर क्या है, बुलेट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉक्स प्लस बुलेट वो कितनी है, फॉर्मूला होता है हाफ मास और स्पीड का स्क्वायर। मास कितना है इसका, बॉक्स का प्लस बुलेट का, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, और इसकी स्पीड कितनी है, वी वी का स्क्वायर। ये क्लियर हो, ये क्या आई, काइनेटिक एनर्जी। ये क्वेश्चन नंबर क्या है, सेकंड। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट है, अब ये काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, आपस में इक्वल आएगा। तो नेक्स्ट है, तो ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि वो कितनी हाइट ऊपर गया है, h हाइट ऊपर गया है बॉक्स प्लस बुलेट। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना है, हाफ एम प्लस एम और v का स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mg होता है, और टोटल मास तो कितना है उसका, स्मॉल m प्लस कैपिटल m, और g h आएगा। m प्लस m से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 यहां पे डिवाइड में, इधर आगे किस में आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो यहां पे v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, तो यहां से v की वैल्यू कितनी आएगी, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। एक ये फॉर्मूला बन गया, मीनिंग जब वो हाइट h ऊपर चला जाएगा तो उसकी वेलोसिटी स्पीड कितनी आएगी, बॉक्स प्लस बुलेट की, वो आएगी अंडर रूट 2gh। ओके ठीक है। नेक्स्ट है, हमें तो क्या निकालना है, हमें तो बुलेट की स्पीड निकालनी है। अब नेक्स्ट है, बुलेट की स्पीड कैसे निकालेंगे, अब ये जो v है इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर किसमें पुट कर देंगे, 1 में पुट कर देंगे। किसे पुट करेंगे, 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन नंबर, सॉरी, पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर 1। ओके क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट है, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन या वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर 1, v गेट, तो क्या मिलेगा, u इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M, बाय में स्मॉल m है यहां पे। ओके क्लियर हुआ। अब v की वैल्यू कितनी है, v है अंडर रूट 2gh, तो यहां से u किसके बराबर है, ये भी स्मॉल m है और ये भी क्या है, स्मॉल m है, स्मॉल m बाय स्मॉल m कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा। तो यहां पे आएगा 1 प्लस कैपिटल m बाय में स्मॉल m, सेपरेट डिवाइड कर दिया हमने। उसके बाद ये क्या आया, अंडर रूट 2gh। तो ये फॉर्मूला आ गया किसका, स्पीड ऑफ बुलेट विच इज फायर फ्रॉम द गन। ओके तो यहां से ये फॉर्मूला आ गया आपका, सिंपल है। अगर हमें बुलेट का मास मालूम है, इसका मास, ये जो बुलेट है इसका मास मालूम है, और जो बॉक्स है उसका मास मालूम है, और ये जो हाइट कितनी हाइट ऊपर गया वो मालूम है, तो हम डायरेक्ट किसकी स्पीड निकाल सकते हैं, बुलेट की स्पीड निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ। ओके तो ये क्या है, इसका यूज किया जाता है बुलेट की स्पीड निकालने के लिए, बैलिस्टिक पेंडुलम का। तो ये टॉपिक हमारा इतना ही है। ओके अगर अच्छा लगे कमेंट करना, शेयर करना चैनल को। थैंक यू।